नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देबोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के 51वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली है। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली, जो बीते रविवार को ही रिटायर हुए हैं। बता दें कि चंद्रचूड़ 10 नवंबर को 65 साल की उम्र में चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए। सोमवार देश के इतिहास के लिए एक अहम दिन रहा। आज जस्टिस संजीव खन्ना के तौर पर देश को नया चीफ जस्टिस मिल गया। उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से वकालत की पढ़ाई पूरी की और 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में बतौर वकील अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इसके बाद 18 जनवरी 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट कर दिया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना ने अब तक के अपने कार्यकाल में कई बड़े केसेस पर फैसला सुनाया है। जस्टिस खन्ना ईवीएम की विश्वसनीयता को बनाए रखने, चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने, अनुच्छेद 370 को हटाने और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस खन्ना लंबित मामलों को कम करने और न्याय मुहैया कराने में तेजी लाने पर जोर देते रहे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ की जगह देश की न्यायपालिका की बागडोर अब जस्टिस संजीव खन्ना के हाथों में होगी। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में वे और कौन कौन से अहम मामलों में फैसले लेकर न्यायपालिका को मजबूत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फॉर इंडिया।